दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। रमजान की खुशी मातम में बदली, मच्छर मारने वाला कॉइल जला और बुझ गया घर का चिराग। शास्त्री पार्क बुलंद मस्जिद इलाके में रमजान के दिन में हुए एक दर्दनाक हादसे में दम घुटने से एक घर के चिराग की मौत हो गई। इस हादसे में 2 वर्ष की आयु के बच्चा हमला की मृत्यु हो गई है। हादसे में और बच्चे की मृत्यु में परिवार वालों में पड़ोस में भी मातम छा गया है। शुक्रवार सुबह 6 बजे रोजा शुरू करने से पूर्व सहरी खाकर पूरा परिवार सो गया था। इसके बाद अचानक घर में आग लगी और पूरे घर में धुआं फैल गया। परिवार में उस सदस्यों से एक दूसरे को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मासूम हमजा धुएं का शिकार हो गया और इसके मौत हो गई। पीड़िता नामजीत ने बताया है कि सहरी खाकर वह सो गए थे और करीब 7:30 बजे पति अमजद के उन्हें नींद से उठाया और उन्हें देखा तो पूरे घर में धुआं फैला हुआ था। इसके बाद उनके पति ने उन्हें उठाया और बेटी सोनी माहिरा और बेटे फरहान को लेकर उठकर वहां से बाहर निकल गए, लेकिन वह अपने सबसे छोटे बेटे हमजा को उठाना भूल गए और जब तक वह उसे दोबारा उठाने के लिए जाते तब तक उसकी मौत हो गई। उनकी बेटी सोनी में आग से झुलस गई थी और उसका GDP अस्पताल में इलाज चल रहा है। अकबर से हिम्मत दिखाकर बचाई और परिवार वालों ने किरायेदारों की जान। पीड़ित परिवार ने 100 गज के 5 मंजिला घर में राहत ली है और जिससे हर तक वह 3 कमरे है और आग पूरी तरह से फैल गई थी। पीड़ित अकबर ने बताया है कि वह घर से पिता हमजद अली का था और पिता की मृत्यु हो चुकी थी और अब यह घर उनके छोटे भाई अजगर का है और इसके 6 भाई भी हैं और जिसमें सबसे बड़े वह खुद है और 2 भाई अन्ना और वसीम जले हुए थे और भाई अजगर के वह परचों की दुकानें हैं और उसके बाद वह गाड़ी चलाते हैं और भाई के परिवार वाले वह अलावा 4 कमरों के किराएदार भी रह रहे थे और हादसे में समय वह बुतल पर पत्नी शबाना और बच्चों के साथ सो रहे थे और इसके बगल वाले कमरे में भाई अन्ना की पत्नी सुमाइला सो रही थी और 1.5 साल का बेटा भी सो रहा था। अचानक वह सुमाइला आई और उसने बताया कि उसके कमरे में आग लग गई है और उन्होंने अभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला दिया है और खुद वह बाल्टी भरकर पानी के आग बुझाने की कोशिश में लग गई थी, लेकिन आग को बढ़ते लगी थी और इसके बाद पूरे घर में धुआं फैल उठा था। धुआं फैलते पर मंजिल के एक घर जाकर भाई अमजद को पूरे उठाया और अमजद ने 2 बच्चों माहिरा और फरहान को उठाकर वहां से ले गए और उन्हें धुएं में कारण वह भतीजा हमजा वही रह गया और वरना वह बच जाता। और तभी ऊपर वह किरायेदार व परिवार के बाकी सदस्य आ गए और धुएं के कारण किसी ने कुछ नजर नहीं आ रहा था और उन्होंने अमजद को साथ मिलाकर एक करके एक सभी को बाहर निकाला और इससे कुछ पड़ोसियों ने भी उनकी मदद की, छत से कूदकर बचाई भी जान। 3 मृतक और 1 घायल सहित 8 किरायेदारों ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में रहने वाले एक पीड़िता किरायेदार के मकबूल बताया था और उसे दिल्ली रोजगार की तलाश में आए थे और वह जहां से रिक्शा चलाकर अपनी आजीवनी चला रहे थे और हादसे में यह 2 लोग तीसरे पल पर भी रह रहे थे और सो रहे थे। आग का धुआं उन पर भी चला गया था और जान से बचाने के लिए वह छत से कूद गए थे और जान बचा ली। किरायेदार रायसूल नीचे से रास्ते में चला गया और जो आग में झुलस गया और जिनका GDP अस्पताल में इलाज चल रहा है। दामाद से प्यार करती थी पत्नी, बीच में आया पति तो कुल्हाड़ी से काट कर की हत्या। श्री बंसीधर नगर पुलिस ने 5 लोगों के अंदर सोनवर्षा निवासी गांव में वह मुस्लिम अंसारी हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए हत्या के शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गुरुवार को न्यायालय हिरासत में वह गढ़वा जेल में भेज दिया गया है। कुल्हाड़ी से मारकर कर दी थी हत्या। SDPO ने बताया है कि वह आरोपियों की निशानदेही आधार पर हत्या के प्रयोग की गई कुल्हाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली गई है और SDPO ने आगे बताया है कि पुलिस अंसारी मुस्लिम अंसारी की हत्या उनकी पत्नी जुलेखा बीवी ने की है और उनके दामाद ने भी की है। पूछताछ में मृतक की पत्नी ने कबूला जुर्म। इसी मामले में मृतक के भाई ने सदीक अंसारी ने आखिर आवेदन पर मामला दर्ज करते हुए पुलिस से जांच शुरू कर दी है और SDPO ने बताया है कि पुलिस में उनकी पत्नी जुलेखा बीवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है।
बताया गया है कि इसने दामाद नाजिर अंसारी के साथ मिलकर पूर्व नियोजित प्लान कर उन्हें मुस्लिम अंसारी को कुल्हाड़ियों से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। बीवी और दामाद के चल रहा था प्रेम संबंध। एसडीपीओ ने बताया है कि खुले जो कि जुलेखा और उसके दामाद के बीच प्रेम संबंध चल रहा था और नाजिर और मुस्लिम बेंगलुरु में एक साथ काम करते थे। जुलेखा ने वही रहती थी और प्रेम प्रसंग के और प्रगाढ़ मनाने के लिए वह जुलेखा अपनी बेटी की शादी नाजिर से कर रही थी। और दामाद और पत्नी के प्रेम संबंध के बाद मुस्लिम को पता चला तो उसने उसके विरोध किया और तब जुलेखा दामाद के साथ मिलकर मुस्लिम को रास्ते से हटाने के लिए यह प्लान किया था और रेलवे स्टेशन पर कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया है कि बीते 25 मार्च की रात मुस्लिम अंसारी अपने दामाद नाजिर अंसारी के पुत्र आदम अली के साथ बंगलोर में काम कर एक घर में आया था और वह जुलेखा के अनुसार मुस्लिम अंसारी अपने दामाद और बेटे के साथ घर में वापस रेलवे स्टेशन पर आ गया और पत्नी को जब पता चला कि वह घर नहीं आया है तभी अपने दामाद के साथ मुस्लिम को खोजने के लिए निकली और रेलवे स्टेशन पर वापस ले जाकर रास्ते में ही नजीक नाजिर अंसारी ने साथ मिलकर उसे कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। अजमेर में विवाहिता ने अपने पति पर लगाया रेप का आरोप। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाने में पीड़ित महिला ने अपनी एफआईआर दर्ज करवाई है और पुलिस ने शिकायत के आधार पर दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच थाना प्रभारी करण सिंह कर रहे हैं। क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने मुताबिक 21 साल की महिला थाने में पहुंचकर शिकायत दी है, जिसके बताया है कि उसकी शादी पिछले साल 27 सितंबर को हुई थी और शादी के बाद वह अपने पति के साथ मारपीट गाली गलौज करने लग गया था और पति के उसे पीहर से रुपए लाने के लिए भी धमकी दी थी और परेशान कर रहा था। साथ ही उसे देह व्यापार के लिए भी धमकी दे रहा था, झांसे से लेकर तलाक भी दिया है। पीड़ित महिला की शिकायत में पुलिस को बताया है कि 2 महीने में पहले उसका पति उसे कोर्ट में राशन कार्ड का कागज सहित करवाने के लिए झांसा देकर ले गया था और उसे तलाक के डॉक्यूमेंट पर उसकी साइन करवा ली और जिसे डाइवोर्स पेपर्स की जानकारी तब मिली जब उनका पति अपने माता पिता के घर आने का बात कहकर निकल गया लेकिन वापस नहीं लौटा। काफी पड़ताल के बाद पता चला कि उसका पति किसी और पत्नी के महिला के साथ संबंध बना रहा है और जब पिता ने पति से मिलने गई तो उसने बताया कि वह उसे तलाक दे दिया है। साथ रहने के लिए भी देह व्यापार करने के लिए मजबूर कर रहा था और धमकी दे रहा था। पीड़िता महिला ने क्रिश्चियनगंज इलाके में पुलिस थाने में शिकायत दी है और आरोप लगाया है कि 27 मार्च 2023 को रात में उक्त उसका एक पति गाली गलौज कर रहा था और उसके घर पहुंचा और उसके साथ जबरदस्त शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया और पति को और उसे अब साथ में उनके देह व्यापार करने के लिए भी धमकी दे रहा था और पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल